सुन जी यहाँ हम तो शुक्र गुज़ार हैं मीडिया वाले को जो साइड पे यहाँ इस देहात पहाड़ी इलाकों में पहुँचे हैं तो ये रोड दिया था पी एम जी एस वाई दो हज़ार ग्यारह में कटिंग हुई थी इसकी लेकिन बड़ी मुश्किल से इसका ये मैगडम डाला गया लेकिन मैगडम का यहाँ से तो एक तो टाइम भी नहीं था टेम्परेचर कम हो गया ये सर्द इलाका है आज ही देखो यहाँ क्या है टेम्पेचर कितना कम है दूसरे नंबर यहाँ ज़िम्मेदार किसी की ज़मीन का कोई एतराज़ नहीं था इनको जितना चाहिए था वो ले जा सकते थे यहाँ पे ये यह हाल है आपके सामने रोड का कि रोड में गाड़ी की किसी जगह में दूसरी गाड़ी आ वहाँ से आ जाएगी तो उसको साइड किसी जगह में नहीं मिलती है एक नंबर दो दूसरा नंबर सर ये बात है मसला है कि जो मैगडम है ये दोनों साइड से दाएं साइड से भी देखो आपके सामने है बाएं साइड से भी आपके सामने है ये खुला है इसी तरफ मार्च अप्रैल में अगर ऐसा ही रहा तो ये मार्च अप्रैल तक ये मैगडम जो है ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो ये देखो इस वक्त गवर्नमेंट के पैसे भी हैं आवाम का मसला था तो ये खुद ब खुद सामने आपको नज़र हो रहा है कि ये का क्या हो रहा है यहाँ और जहाँ जहाँ यहाँ इसमें बहुत जगह दीवार की ज़रूरत है वहाँ पे दीवार भी नहीं लगी है अच्छा ये ड्रेन निकालनी है जब तक ड्रेन इसकी रोड की ड्रेन नहीं बनेगी तो ये तो तीन महीने भी नहीं निकालेगा रोड क्योंकि ये ग्रेड में है रोड रोड यहाँ से पानी जब आएगा तो इसको काट देगा यही है इससे बाकी और क्या बोलें सर असल इसमें हमने रिसेंटली मैगडम किया है मैगडम एज पर स्पेसिफिकेशन किया है हमने अब उसमें बर्म का प्रॉब्लम है वो ठेकेदार जो है वो दूसरे काम पे लगा हुआ है हमारा सेंसर डेट है हमारी फंडिंग ऊपर से बंद हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें टारगेट दिया गया है अब टू तो मार्च हमें सारी स्कीमें कम्पलीट करनी है तो विद इन टू और थ्री डेज़ ही विल स्टार्ट द शोल्डर बर्म जो उसकी है वो हम इनशाला पाँच छः दिन में कम्प्लीट करेंगी बाकी जो उसका मैगडम है वो बहुत अच्छे से हुआ है उसमें इंस्पेक्शन भी हुआ है उसमें नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भी एक होता है उड़ीसा का वो आया था यहाँ पे उसने भी उसका इंस्पेक्शन किया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ इसमें एक और चीज़ है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी डीएलपी इसका पाँच साल का होता है कंट्रैक्टर का अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट होगा वो रेक्टिफाई हो जाएगा तो फिलहाल इसमें मैकडम ठीक है लेकिन बर्म की जो प्रॉब्लम है इसमें वो इनशाला दो तीन दिन में उसका स्टार्ट हो जाएगा विद इन वन वीक हम इसको कंप्लीट करके देंगे बर्म को भी जाए तो जाए काम जाए। अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है ये अभी मतलब इन प्रोग्रेस है पूरा नहीं हुआ है अभी चल रहा है ये काम पर हो जाएगा वो भी रेक्टिफाई मैकडम इस वक्त नहीं होगा लेकिन जब सीज़न आएगा तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा क्योंकि इस इस वक्त ऑफ सीज़न है तो लेकिन उसमें हम सीमेंट कंक्रीट डाल के अगर कहीं पे है उसको रेक्टिफाई करेंगे सब्सक्राइबेशन मेल प्रेस बेल आइकन नेवर मिस सेना ठीक